अगर आपने टिकटॉक पर प्राइवेट अकाउंट देखा है और अगर आप अपना टिकटॉक अकाउंट प्राइवेट करना चाहते हैं और होता नहीं है और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं और हम इसे क्यों बनाते हैं, तो प्राइवेट अकाउंट से रिलेटेड आज मैं आपको सारी जानकारी इस वीडियो में दूंगा। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है दोस्तों, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। साथ में दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब तो करना ही करना, शेयर जरूर किया करना। शेयर नहीं करते हो आप वीडियो तब जाकर, और दोस्तों मैंने देखा है कि मेरे जो फेसबुक पेज है टेक्निकल समर जी पेज है, उस पर किसी और बंदे ने भी बना रखा है टेक्निकल समर। तो अगर आप मुझे फेसबुक पर सर्च करते हैं, कॉन्टेक्ट करते हैं, कुछ मैसेज करते हैं, तो आपको क्या करना होगा कि टेक्निकल समर जी आपको सर्च करके मुझे फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब पर वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टिकटॉक से रिलेटेड और वीडियो देखने के लिए चैनल नंबर जाकर प्लेलिस्ट को चेक करिएगा। तो आज हम जानेंगे प्राइवेट अकाउंट से रिलेटेड सारी जानकारी, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमें अब टिकटॉक एप्लीकेशन में चलते हैं और एप्लीकेशन हमें आने के बाद दोस्तों यहां पर एक मैंने एक नया बनाया है, इस पे एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं कि नए अकाउंट पर टिकटॉक व्यूज देगा कैसे देगा। तो आप जाकर सपोर्ट करिए Rockstar 1, इसको जाकर आप फॉलो करिए Rockstar 1 को जाकर अभी करिए, और मैं आपको यहाँ पर टिप्स भी दूंगा। और यहाँ पर अभी एक्सपेरिमेंट चल रहा है कि दोस्तों नए और व्यूज कैसे आएंगे, तो फिर मैं आपसे वो वीडियो शेयर करूँगा। तो प्राइवेट अकाउंट बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ता है और यहाँ पर प्राइवेसी सेफ्टी में जाते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों आप इनेबल कर देते हैं। तो आपका अगर इस तरीके से अब प्रॉब्लम आ रही है और आपका अकाउंट नहीं हो रहा तो वो भी हो जाएगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप प्राइवेट अकाउंट बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। दोस्तों इसमें आपको जो आपको फॉलो करेंगे और जिनको आप फॉलो बैक देंगे, मतलब कि आपने फ्रेंड बना लिया है, बस वही बंदे आपकी वीडियो देख पाएंगे और लाइक्स कर पाएंगे, और उसके अलावा आपका कोई भी वीडियो नहीं देख पाएगा। दूसरा नंबर दोस्तों इसमें अगर आपने जो प्राइवेट अकाउंट कर दिया है तो जितने भी आपके फॉलोवर्स हैं, मतलब कि जिन्होंने आपको फॉलोवर्स पहले से कर लिया है और अब आप प्राइवेट अकाउंट करना चाहते हैं, तो भी आपकी वीडियो वो बंदे देख पाएंगे जिन्होंने आपको फॉलो किया हुआ है। तो ये इससे जानकारी है अगर अब आप प्राइवेट करना चाहते हैं तो, और नहीं हो रहा है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। और दोस्तों यहाँ पर अगर आपने स्विच बैक द पर्सनल अकाउंट ऑन कर रखा है तो इसको आपको एक बार बंद करना पड़ेगा, स्विच ऑफ द अकाउंट। इसको बंद करने के बाद दोस्तों अब आपको प्राइवेसी में आ जाना है और अब इसे इनेबल कर देना है। अब आपका अकाउंट प्राइवेट हो गया। अब इससे रिलेटेड एक और जानकारी मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। अगर दोस्तों एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप हु वीडियो लाइक्स, इस बारे को आप ओनली पर क्लिक करिए, क्योंकि दोस्तों जब भी आप वीडियो टिकटॉक पर लाइक्स करते हैं तो कोई भी आपकी वीडियो लाइक की हुई ना देख पाए, तो उसके लिए ये सेटिंग आपको करके रखनी चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि हर बंदा देखिए आपको लाइक्स वीडियो किया हुआ, तो आप मुझे जो कि नहीं लगता ऐसा आप चाहेंगे तो आप ओनली पर क्लिक कर लीजिए। दोस्तों जानकारी अच्छी लगी है ना तो दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करिए फेसबुक व्हाट्सएप पर, प्लीज़ सपोर्ट करिए ज़्यादा से ज़्यादा।